बागेश्वर जिले में कोरोना के टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है। जनपद की 11 साइटों में फ्रंटलाइन वर्करों, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों तथा 45 वर्ष पूर्ण करने वाले लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में नगर क्षेत्र में नगर पालिका, तहसील कार्यालय, जिला अस्पताल सहित अन्य स्थानों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इधर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। पूर्ण चंद जोशी लाइन में लगे हैं टीका की रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सर। व्यवस्था ठीक ही हो रही है, क्या ऐसी व्यवस्था होती है? पूरी अव्यवस्था हो रही है। ये अव्यवस्था ही कहेंगे इसको, मतलब कोई बैठने की साधन नहीं है, ये कुछ नहीं है। लोग दो 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 तीन तीन बार ऐसे लाइन में खड़े हैं, आप वहाँ तक लाइन लगी है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। दो घंटा हो गया इंजेक्शन का, अगर दो काउंटर हो जाए तो अच्छा। और दो काउंटर लगे तो ज्यादा अच्छा है, लगाने वाले के लिए भी, रजिस्ट्रेशन के लिए भी ठीक से कोई व्यवस्था नहीं है। जी महिला पुरुषों का अलग अलग होना चाहिए था, महिला पुरुषों का रजिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए था ना। ठीक है, रोई जा व्यवस्था ठीक है, बढ़िया रहो, नी लगे जाए। हमारे यहाँ 9 बजे बेटी हो तो होगो हो, आप लगा ले 1 बजे बाद। टीकाकरण की अच्छी व्यवस्था हो रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी हर इंसान को, लाइन में लगे हैं और थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है, हर किसी को आ रही है दिक्कत। अभी आधा घंटा हो गया मुझे तो। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।